हे अभिमान, कैसे हैं सही बच्चे? क्या हाल है बेटा सही बच्चों के? तो ये एक बार पूरा पूरा एक बार आप ये देख लीजिए जो मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ, वो एक बार जरूर देखिए सही बच्चे, और मुझे जरूर से बताएंगे कितना उनको यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार इसके ऊपर नजर जरूर डालेंगे सही बच्चे। शुरू से देखेंगे द इवोल्यूशन ऑफ मैन किस तरीके से हो रहा है। नाउ यू हैव टू शेयर इट। नाउ बच्चों यू हैव टू शेयर इट, तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ। और गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इवोल्यूशन ऑफ मैन आज फाइनल है, फाइनल पार्ट मैं इसका पढ़ाने वाला हूँ आज। और आप सभी से गुजारिश है कि फटाफट से इसको शेयर कर दें। चलिए बच्चों, सुखा प्रणाम बेटा प्रणाम। एंड आई एम कमिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। एंड बच्चों मेरा नाम है राहुल शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर ऑन अकेडमी। और मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाने वाला हूँ, बायोलॉजी आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आप सही बच्चे रेडी हैं। और रेनू देवी हनी ने हमको ज्वाइन किया है। हेलो बेटा हनी, रेनू, श्रीजा, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सुखा, गुड इवनिंग आशी, गुड इवनिंग बच्चे, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड बच्चों, आई एम वेरी गुड। माय नेम इज राहुल शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। और बच्चों आज हम पढ़ाऊंगा आपको ह्यूमन इवोल्यूशन, ये टेलीग्राम चैनल जो कि आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और बच्चों आपको सभी को बता दूं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मेरा कल एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो जिसको भी मेरा प्लस कोर्स अटेंड करना है, वो फटाफट से इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस है आपके पास सभी कोर्सेज का। इंडिया के टॉप एजुकेटर वहाँ पढ़ा रहे हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, एग्जीक्यूटिव डाउट क्लियरेंस है, कवरेज है, स्टडी मटेरियल मौजूद है, प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, चारू गुप्ता हेलो भाई, क्या हाल है बेटा? प्लस पे कल से जो कोर्स चालू होगा, प्लस पे स्पेशल की जानकारी भी आपको दूंगा। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद प्लस पे जाएंगे और अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। क्लास 11 का कल एक नया कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन बेटा आपको 2 साल का जो है वो 25,000 यानी कि 25,000 का है, या फिर 1,042 रुपये की मंथली ईएमआई है। 12 मंथ के लिए बजट 15,000 है और 1,250 है। ये दोनों अमाउंट आपके 10% से कम हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पे 2,500 रुपये कम हो जाएंगे, यहाँ पे 1,500 रुपये कम हो जाएगा, 1,500 रुपीज कम हो जाएंगे। ठीक है, इफ यू विल यूज द कोड RSS10, तो 10% आपकी फीस ये कोड आपको कम करके देगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि एक बेहतरीन प्रिपरेशन करें, उसके लिए आपको किसकी जरूरत है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, जहाँ पे पर्सनल मेंटर है, लाइव डाउट ट्रेनिंग सेशन है, वीकली रिपोर्ट आपको मिलेगी आपने क्या पढ़ा है, पेरेंट्स से आप कनेक्टेड रहेंगे, स्टडी प्लानर आपको मिलेंगे। ठीक है, सब कुछ आपका रेडी टू गो रहेगा बस। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग रात्रि, द नाइट सेलर, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग शिवम श्रीवास्तव, गुड इवनिंग बेटा। आइकॉनिक की 2 साल की फीस है 48,000 या फिर 2,000 पर मंथ की ईएमआई है। ये EMI आफ्टर यूजिंग RSS10, RSS10 कोड लगाने के बाद ये जो 2000 की EMI है ये 1800 की हो जाती है, और यहाँ पे 4800 तक कम हो जाएंगे। 12 मंथ का 28,000 है, 2333 की EMI है, ये भी 10% से यहाँ पे RSS10 कोड लगाने पे कम हो जाए। तो आप सभी के लिए बहुत सुनहरा मौका है, जल्दी से RSS10 लगाओ। एक्स्ट्रा मंथ भी मिल रहे हैं, अपने डाउट भी अनलिमिटेड तुम लोग पूछ पाओगे किसी भी समय, अपने होमवर्क के अंदर बहुत मदद मिलेगी। तो जल्दी से इस डाउट को आप फटाफट से अपने जितने भी डाउट है, आज का डाउट सेक्शन में डालेंगे, ऐप पे जाएंगे, आज का डाउट पे जाएंगे, एक फोटो क्लिक करेंगे और वो फोटो को फिर पोस्ट करेंगे। अगर आपकी फोटो बड़ी है तो आप किसी क्वेश्चन को क्रॉप भी कर सकते हैं, टीनेजर। ठीक है, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करो और हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ। द ह्यूमन इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ मैन। ओरिजिन ऑफ मैन बच्चों बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही दिलचस्प दास्ता है। इंसान किस तरीके से जो आज के रूप में आया है, किस तरीके से आया है, क्या क्या नई चीजें और कैसी कैसी चीजें देखने को वहां पे मिली है। तो
तो अभी तक की स्थिति है, मैं बोलूं कि मेरे बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं कि दिस इज द माइंड इवोल्यूशन एंड इट इज परफेक्टली फिट बिकॉज़ आई एम सिटिंग ऑन अ लैपटॉप, यू आर सिटिंग ऑन अ लैपटॉप एंड वी बोथ आर लर्निंग सो मच, वी बोथ आर गेनिंग सो मच बाय दिस प्लेटफॉर्म व्हिच इज नोन एज अनअकैडमी। बच्चों शेयर करना है हम सभी को, ये बात आप ध्यान रखिए। लेक्चर की शुरुआत हो चुकी है और आप में जितने बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है वो फटाफट से शेयर करेंगे। ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करें तो बेटा 15 मिलियन ईयर अगो, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 15 मिलियन का मतलब हो गया 1/5, ठीक है, समझा की बात। तो ये हो गया 150 लाख ईयर अगो की हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमेट्स, जो कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कहलाए, वो आज से 15 मिलियन ईयर पहले पैदा हुए, जिनको ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस बोला गया, ठीक है। देवर हेयरी, उनके शरीर पे बहुत बाल थे, ठीक है, भरमार थी बालों, एंड वॉक लाइक गोरिल्लाज, और गोरिल्ला की तरह चलते थे, ठीक है। अगर मैं तुमको दिखाऊंगी इसकी इनिशियल स्टेज जो ये वाली है, ये वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रामापिथेकस वॉज मोर मैन लाइक बाय ड्रायोपिथेकस वॉज मोर एप लाइक। अब इसमें ऐसा हुआ कि रामापिथेकस थे और ड्रायोपिथेकस थे, अब रामापिथेकस तो ज्यादा दिखते थे किसकी तरह, इंसान की तरह, एज कम्पेयर टू दी ड्रायोपिथेकस, और ड्रायोपिथेकस कैसे दिखते थे बेटा, एप की तरह दिखते थे। तो हम बोले कि सर ज्यादा पुराने कौन है, तो हम बोलेंगे कि ज्यादा पुराने छवि गौर ड्रायोपिथेकस है देन रामापिथेकस है, क्योंकि वो मोर लाइक ह्यूमन, मोर लाइक मैन दिख रहे थे। शिवानी सिंह, समझ में आ गई बात, मैं बहुत बढ़िया हूँ। छवि बच्चों शेयर करो यार, कहाँ गए सारे के सारे, शेयर करो इसको। Few fossils of man-like bones have been discovered in the Ethiopia and Tanzania. Ethiopia और Tanzania से भी fossils मिले हैं man के, बहुत पुराने fossils. Good evening अंकित, good evening बच्चों, good evening मोहम्मद कुलहारी, good evening बेटा, ठीक है। साक्षी सूर्यवंशी, hello, चले बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बेटा कि एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर बता रखा है क्या कंपैरिजन ऑफ स्कल, एक कंपैरिजन ऑफ स्कल है बिटवीन दी ह्यूमन बीइंग एंड एन एडल्ट एंड एन एडल्ट चिंपांजी, बिटवीन मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बेबी चिंपांजी एंड एडल्ट चिंपांजी। तो बेबी चिंपांजी का जो मुंह है बेटा वो मोर लाइक ह्यूमन, बेबी चिंपांजीज का जो मुंह है वो मोर लाइक ह्यूमन है, ठीक है। जो बेबी चिंपांजीज का मुंह दिखता है वैसा किसका दिखता है, एडल्ट ह्यूमन का। स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन, ठीक है। तो एडल्ट चिंपांजीज का स्केलेटन इतना ज्यादा मैच नहीं करता है जितना ज्यादा मैच उसके बेबी चिंपांजीज का करता है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है कि हम ज्यादा किससे मैच कर रहे हैं, हम ज्यादा मैच करते हैं बेबी चिंपांजीज से एज कम्पेयर टू दी एडल्ट चिंपांजी, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, You all need to understand this. This is really important. आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं human evolution की एक एक करके। एक बार brief introduction देंगे, फिर एक एक करके बात करेंगे कि hominoid feature कहाँ से चालू हुए। 3 से 4 million years पहले male like primate ने दो पैरों पे चलना चालू किया था ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर, ठीक है, और वो 4 feet से टॉल नहीं थे। तो हमारे जो पूर्वज थे वो 4 foot के थे, जैसे 4 foot या बोलते हैं ना किसी को कि 4 foot की हाइट है, ठीक है, और 10 फुट का एटीट्यूड। तो वो वाली जो बात थी ये यहाँ से चालू हुई कि जो ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर आज से 30 से 40 लाख साल पहले 4 फिट के हुआ करते थे और ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में ही पाए जाते थे, ठीक है। एविडेंसेस से ये पता चला है कि दे हंटेड विद द स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट द फ्रूट, ठीक है। बोन्स अमंग दीज एनिमल डिस्कवर्ड, अब ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट तो है नहीं, ह्यूमन इवोल्यूशन की कड़िया जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो हमने बोला कि होमो हैबिलिस जो है वो पहले जो है मून ह्यूमन लाइक दिखने वाले हमको होमोनॉइड मिले, जिसको हमने बोला होमो हैबिलिस। इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 650 से 800 cc। तो होमो हैबिलिस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 650 से 800 cc हमको देखने को मिली, ठीक है। They probably did not eat meat. ये मीट नहीं खाते थे। फॉसिल डिस्कवर हुए जावा से। इनके फॉसिल कहाँ से डिस्कवर हुए हैं, जावा से डिस्कवर हुए हैं। कौन सा आइलैंड से, जावा है, ठीक है, इंडोनेशिया के पास।
1981 में होमो इरेक्टस आए जो कि 1.5 मिलियन ईयर अगो थे, यानी कि 15 लाख साल पहले। फिर होमो इरेक्टस 900 सीसी के साथ फिर होमो इरेक्टस ने मीट खाना चालू किया। ये ब्रीफ दे रहा हूँ, धीरे धीरे पूरी बात करेंगे हम। एटीट्यूड बॉय हाय बच्चे, ये बेटा स्केलेटल कंपैरिजन है, ये नियानेंथ्रल का है। और ये मॉडर्न ह्यूमन, ये नियानेंथ्रल है, ये मॉडर्न मैन का, दो का स्केलेटल कंपैरिजन मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3D के अंदर ही घूम रहा हूँ। ठीक है, दोनों के स्केलेटल को कंपेयर करोगे तो तुमको एक बात पता चलेगी कि देयर इज लार्जर क्रेनियम इन नियानेंथ्रल। जो नियानेंथ्रल मैन थे उनके पास जो क्रेनियम है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू ह्यूमन, जो मॉडर्न मैन है। मॉडर्न मैन से बड़ा क्या है क्रेनियम, किसका है? नियानेंथ्रल का है। मॉडर्न मैन का क्रेनियम छोटा है, तो ब्रेन कैपेसिटी भी आपको लगती होगी इसी प्रकार चलेगी आज। ठीक है, सौम्य बात समझ में आ रही है? सुखा आशी, ठीक है, हनी बेटा बात समझ में आ रही? सभी बच्चों को छवि चले। तो ये दोनों के कंपेरिजन में तुम लोग देखोगे तो ये नियानेंथ्रल मैन और होमो सेपियंस का क्या है स्केलेटन है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। ठीक है, चले हम लोग आगे की तरफ, चलिए लेट्स मूव अहेड। नियानेंथ्रल मैन की अगर हम बात करें तो उनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी, जो कि नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में मिलते थे। 1400 सीसी की ब्रेन कैपेसिटी है बेटा इनकी, ये बात ध्यान रखना, 1400 सीसी काफी ज्यादा है ये। ठीक है, और नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में ये मिलते थे आज से लगभग 1 लाख से 40 हजार साल पहले तक इनकी जो है मौजूदगी यहाँ पे देखी जा गई है धरती के। ठीक है, दे हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। ठीक है, वो हाइड जो अर्ली मैन तुमने देखे थे, अर्ली मैन, द मैन इज अर्ली, अर्ली मैन की बात तुमने तो नहीं, फ्रंट ऑफ नाटक सभी ने देखा होगा, शेर की खाल लपेट के वो लोग शिकार करते थे। बिग फैन आ गए हैं, बहुत बढ़िया हो बेटा। ठीक है बच्चों, शेयर करो यार, लाइक एंड शेयर दिस सेशन। ठीक है, तो जानवरों की खाल लपेटना नियानेंथ्रल ने चालू किया। ठीक है, जो इनके समाज के अंदर जो ये सोशली जो थे, इनके रिश्तेदार जब मरते थे तो उनको गाड़ना इन्होंने चालू किया। ठीक है, उससे पहले नहीं गाड़ा करते थे, जैसे बाकी एनिमल मरते हैं और दूसरे एनिमल उनके फील कर लेते हैं, वैसे ह्यूमन के साथ भी होता था, पर नियानेंथ्रल ने उस प्रथा को बदल दिया। नियानेंथ्रल ने क्या किया, नियानेंथ्रल ने एक नई शुरुआत करी, एक नई क्या बोलता हूँ मैं उसको, प्रथा चालू करी, एक नया रिचुअल, एक नया कल्चर चालू किया कि अब से जो भी डेड होंगे हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे सिविलाइजेशन में, वी हैव टू वरी देम विद द रेस्पेक्ट। ठीक है, डेड बॉडीज की अगर रेस्पेक्ट किसने चलना चालू किया, अख्तर खान, तो वो थे नियानेंथ्रल मैन। होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव टू अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, डेवलप द डिस्टिंक्ट रेसेस। अब तुम लोग देखोगे कि हम एशिया में रहते हैं, जापान में रहने वाले लोग अलग दिखते हैं, चाइना में रहने वाले लोग अलग दिखते हैं, ईस्टर्न इंडिया में रहने वाले लोग अलग दिखते हैं, वेस्टर्न इंडिया में रहने वाले लोग अलग दिखते हैं, सदर्न में अलग दिखते हैं, यूरोप के अलग दिखते हैं, नॉर्थ अमेरिका के अलग दिखते हैं, कैरेबिया के अलग दिखते हैं, अफ्रीका के अलग दिखते हैं। ठीक है, इन सब को अलग अलग दिखने के पीछे जो कारण था, ये माना जाता है कि इनका जो माइग्रेशन था, ह्यूमन ने जो माइग्रेशन किया मेरे बच्चे, वो ह्यूमन का जो माइग्रेशन था वो बहुत ज्यादा रहा, और वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से अडेप्ट होते गए। एक क्लासिकल एग्जाम्पल तुम लोगों के सामने रखता हूँ कि जो कैरेबियन होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ फॉर एन एग्जाम्पल, दे हैव अ डार्क स्किन कॉम्प्लेक्स। यू हैव सीन द वेस्ट इंडियन टीम, द प्लेयर्स ऑफ द वेस्ट इंडियन टीम जनरली हैव अ डार्क कॉम्प्लेक्शन और दे हैव हायर कंटेंट ऑफ मेलानिन एज कम्पेयर टू द इंग्लिश प्लेयर विच आर ब्रिटिश, दे लिव इन अ कोल्ड कंट्री, तो वहां पे मेलानिन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उनके बॉडी में मेलानिन कम होता है क्योंकि वहां पे सनलाइट कम होती है, और वहीं दूसरी तरफ सनलाइट बहुत ज्यादा है नियर द इक्वेटर जो एरिया है, तो स्किन कॉम्प्लेक्सेस को अवॉइड करने के लिए उनकी स्किन के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसकी संभावना, उसकी अमाउंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर रीजन इन द वर्ल्ड। तो वो भी एक तरीके की अडेप्टेशन है, और ये सारी अडेप्टेशन तभी आई जब जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने माइग्रेशन करना चालू किया। ठीक है, वेरी गुड सुखा साक्षी, एटीट्यूड बॉय सौम्या बच्चे,
ओपी गेमर बेटा, सबसे पहले तो तू क्या बनना चाहता है वो डिसाइड कर, उसके बाद मुझे बता और फिर अपन डिसाइड करेंगे तेरा सब्जेक्ट, ठीक है? चलिए, आइस एज के दौरान आज से 75,000 साल, 75,000 से 10,000 साल पहले की बात है, मॉडर्न होमो सेपियंस का जो आरोह था वो चालू हो गया था, वो धरती पे आना चालू। प्री स्टोरिक केव का आर्ट की जो डेवलपमेंट है, कि जो हमको केव पेंटिंग मिली है, वो आज से लगभग 18,000 साल पहले तक की है, ठीक है? वी हैव फाउंड द केव पेंटिंग विच आर एज अप टू 18,000 ईयर्स, ठीक है? तो इससे ये बात पता चल जाती है कि यार जब लिखने की और पेंटिंग बनाने की क्षमता आ जाती है, इसको भूल गए कैप क्यूइन? नहीं बेटा, किसी को नहीं भूले हैं, सबको याद है, बट तुम लोग इंजीनियरिंग करना चाहता है तो बेटा फिर पीसीएम ले ले, और आईआईटी का जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन है नीट का वो ले ले फटाफट से जाके, और आरएसएस टेन कोड का इस्तेमाल जरूर कर, ठीक है? तो ये बात हमको चालू हुई। चलिए, तो प्राइमेट के अंदर क्या आता है, जो हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा, उसके अंदर क्या क्या आते हैं? उसके अंदर आपके लेमर, ट्रेसियर, रिलेटेड फॉर्म, मंकी, एप, ह्यूमन, रोडेंट लाइक, इंसेक्टिवरस, मैमल है, इवोल्व अराउंड 80 मिलियन ईयर। अब इंसेक्ट मैमल्स का इवोल्यूशन कब माना जाता है? 80 मिलियन साल, ठीक है? समझ गया बात को, 800 लाख ईयर्स अगो माना जाता है, ठीक है? दो तरह के मंकी मिलते थे पहले, एक को बोलते थे आप ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एक को क्या बोलते थे हम, एक को हम बोलते थे कि ये क्या है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, जिसको रीजस भी माना जाता है। रीजस फैक्टर, आरएच फैक्टर पता है तुमको, वो रीजस मंकी। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी बबून ओल्ड अफ्रीका में मिलते थे, इनके टेल होती थी नॉन प्रेसाइल टेल होती है, नैरो फ्लैट नॉस होती है, डायरेक्शन ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, यू शेप्ड जॉ होता है, और जो फॉर्मूला है वो 2-1-2-3 है, जो जॉ फॉर्मूला है वो सेम है एज ह्यूमन, ठीक है? जो जॉ टीथ फॉर्मूला, जो डेंटल फॉर्मूला है वो सेम एज ह्यूमन है, डेंटल फॉर्मूला कैसा है, सेम है ह्यूमन के जैसा फॉर्मूला है, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होती है इनके अंदर, बट जो न्यू वर्ल्ड मंकी है, हम ज्यादा सिमिलर बेटा ओल्ड वर्ल्ड से हैं, ठीक है? ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है वो मोर सिमिलर टू ह्यूमन है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी आर मोर सिमिलर टू ह्यूमन, ठीक है? और ओल्ड वर्ल्ड मंकी आर मोर क्लोजर टू ह्यूमन हम बात करें, ठीक है? देखो इनका डेंटल फॉर्मूला भी अलग है, 2-1-2-3, 2-1-3-3 है, यहाँ पे 36 आ रहा है, ठीक है? लॉन्ग प्रेस्टाइल टेल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही एब्सेंट होती है न्यू वर्ल्ड मंकी में, स्पाइडर मंकी, मरमोथ, मरमोथ जो होते हैं साउथ और मिडिल अमेरिका में जो मिलते हैं, इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होती है। तो न्यू वर्ल्ड मंकी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना होना, ये अपने आप में नीट की परीक्षा और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मेडिकल एग्जाम है उन सभी में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रखती है। कहता है ह्यूमंस आर मोर क्लोजर टू दी ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड दी फीमेल्स ऑफ दी ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट दी फीमेल्स ऑफ दी न्यू वर्ल्ड मंकी डज नॉट हैव अ फीमेल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? समझ में आ गई बात? साक्षी सूर्यवंशी, कृति सिंह, कुणाल, आशी, मिस्टर डेमन, एटीट्यूड बॉय, अमन चौधरी, सभी, आशी, आरती, एटीट्यूड बॉय, सैड क्वीन, शांता, वेरी गुड, छवि, सौम्या, सभी को बात समझ आ गई यहाँ तक? अंकित, रोहित, सभी को बात समझ आ गई है? निकिता, निकित कुमार, गुड इवनिंग बच्चे, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, चलिए, वेरी गुड बच्चों। बच्चों शेयर और लाइक एंड शेयर, गाइस लाइक एंड शेयर द सेशन एवरीवन। चलेंगे आगे की तरफ, बात करेंगे एंड बढ़ते हैं। अब चार तरीके के एप जो थे, एप जिसको हम आदि मानव के तौर पे जानते हैं, वो चार तरीके के देखे, कितने तरीके के देखे गए? चार तरीके के मुख्यतः देखे गए, चिंपांजी, गोरिल्ला, रेंगटन, गिब्बन, ऑरेंगटन और गिब्बन। चिंपांजीज की 400 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी, गोरिल्ला की 500 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी, गिब्बन मंकी जो होते हैं उनकी 100 थी, और ऑरेंगटन जो थे उनकी 400 थी, ठीक है?
एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो कि नीट के अंदर पूछा हुआ था, नीट 2016, नीट 2016, नीट 2012 और नीट 2018 का पेपर अगर तुम देखोगे तो इस शब्द से जुड़े हुए सवाल तुमको वहां पे मिलेंगे, इस शब्द से जुड़े हुए सवाल तुमको वहां पे देखने को मिलेंगे। ह्यूमन और एप, ह्यूमन और एप का अगर कोई कॉमन एंसेस्टर माना जाता है तो वो माना जाता है प्रोकंसल। ह्यूमन और एप का अगर कोई कॉमन एंसेस्टर माना जाता है तो वो माना जाता है आपका प्रोकंसल। प्रोकंसल इज द कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर है मेल और ह्यूमन और एप का, ठीक है। इसके फॉसिल जो है लीकी से डिस्कवर किए गए ईस्ट अफ्रीका से नियर द विक्टोरिया लेक केनिया। इसकी पूरी जानकारी भी दी गई है कि विक्टोरिया लेक केनिया के पास मिले थे, मियोसिन रॉक्स के अंदर मिले थे। मियोसिन इपॉक भी होता है। इट वॉक्ड ऑन दी फोर लेग्स एंड कंसिडर एज अ कॉमन एंसेस्टर फॉर मैन एंड एप। कंसिडर एज अ कॉमन एंसेस्टर फॉर मैन एंड एप। एप और मैन के लिए इसको कॉमन एंसेस्टर माना जाता है। एप और मैन के लिए इसको कॉमन एंसेस्टर माना जाता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। आयुषी यादव, सौम्या, साक्षी, मुस्कान राणा, बहुत बढ़िया बच्चे। आगे चलते हैं बच्चों, लाइक एंड शेयर। हनी, कीर्ति सिंह, चलो अब ड्राइव थिकस की एक एक करके हम लोग बात करेंगे। हम लोग एकदम से नहीं भागेंगे। वील टॉक अबाउट दिस ड्राइव थिकस। व्हाट इज ड्राइव थिकस? ड्राइव थिकस का एवोल्यूशन 15 से 20 मिलियन ईयर पहले हुआ, ठीक है। इनको डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता है मॉडर्न डे एप का, ठीक है। मॉडर्न डे मेन का नहीं, मॉडर्न डे एप जो है वो एप्स का डायरेक्ट एंसेस्टर इनको माना जाता है। जो एप्स हैं उनका डायरेक्ट एंसेस्टर इनको माना जाता है ड्रायोप्टेरा। दे वर फॉरेस्ट डेलावर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे झूमते थे, कूदते रहते थे सारे दिन भर, ठीक है। मियोसिन इपोक के अंदर हुआ है इनका एवोल्यूशन भी, जैसे कि प्रोकंसल और ये साथ ही मिलेंगे। सेमी इरेक्ट पोजिशन थी। पोजिशन कैसी थी? सेमी इरेक्ट थी, इरेक्ट पोजिशन नहीं थी। पोजिशन कैसी थी बेटा? सेमी इरेक्ट पोजिशन थी। क्वाड्रापेडल लोकोमोशन था। फोर लिम्ब बड़े थे, हाथ बड़े थे एज कंपेयर टू दी पाँव। इनका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा ऐसा स्ट्रक्चर था। पूरे शरीर पे बाल थे, फोर लिम्स क्या थे? बड़े थे। फोर लिम्स क्या थे बेटा? बड़े थे एज कंपेयर टू दी हाइंड लिम्स। फोर लिम्स आर लॉन्गर देन दी हाइंड लिम्स। थिक हेयर ग्रोथ थी, हेयर ग्रोथ भी थिक थी। यू शेप्ड मुंह था, ठीक है। टीथ आर लार्जर शार्पर, ठीक है। और फ्रूट ईटर इनको माना जाता था। क्या माना जाता था? फ्रूट ईटर। ओरिजिन की अगर बात करें तो प्लियोसीन इपोक के अंदर इनका ओरिजिन होता है। मियोसिन के बाद प्लियोसीन आया।
एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बट इनका कैरेक्टरिस्टिक सेम एज डायोप्थिकस बट नॉट स्पेंडिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द लैंड। फिर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, ठीक है। रेमोंड ड्रार्ड डिस्कवर द फॉसिल 5 to 6 ईयर ओल्ड मंकी फ्रॉम द ओल्ड पिलियोसिन रॉक एट टुंगंग रीजन साउथ अफ्रीका। ही नेम्ड इट द टुंगंग बेबी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अगर बात करेंगे तो आपको पता होगा कि तुआंग बेबी करके आता है। कौन सा बेबी? तुआंग बेबी। ये एम्स में पूछा था सवाल कि तुआंग बेबी किसको बिलोंग करता है, तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को बिलोंग करता है। आज से लगभग 3 to 2 million ईयर अगो यानी कि 30 से 20 लाख साल पहले ये ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में थे और ये स्टोन से हंटिंग करते थे और खाना में खाली फल खाते थे, ठीक है। इट वॉज द एप मैन बिकॉज इट हैव मैनी कैरेक्टर्स। तो क्या बोलते थे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को? एप मैन। क्या बोलते थे? एप मैन, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक थी इसके अंदर। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक थी ह्यूमैन की भी और एप की भी। अगर कर देना कोई तो ब्रेकअप हो गया मेरा, जो मैं नहीं चाहती, मैं लॉयल हूँ उसके साथ। मनीषा राणा, आई थिंक बच्चे दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन शुड बी इन अ प्राइवेट प्लेटफॉर्म एंड इफ यू आर फेसिंग एनी ट्रबल इन योर रिलेशनशिप स्टेटस और यू आर गेटिंग ब्रेकिंग अप, ठीक है, विद समबडी एल्स एंड यू आर टेलिंग इट लाइक इट इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड यू आर टेलिंग एवरीवन हियर, इट इज नॉट गुड बच्चे, ठीक है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर सिंगल एंड दे डू नॉट लाइक दीज टाइप ऑफ डीप टाइप ऑफ रिलेशनशिप टॉक्स, सो प्लीज यूज योर प्राइवेट नेटवर्क, टॉक टू द पर्सन इन द प्राइवेट, सॉल्व योर इश्यूज एंड देन फोकस ऑन योर स्टडीज बेटा, ठीक है। राणा जी, मनीष राणा, आप बच्चे अपनी जो लव लाइफ है उसको आप प्राइवेट, प्राइवेसी को अपनी इज्जत दो और अलग से उस पर बात करो, ठीक है। जैसे एक बच्चा बोल रहा है सर मैं भी हूँ यहाँ पे, मेरे पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। तो सही बच्चे, ऐसी जो बातें हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया या मेरा पैचअप हो गया या मेरा दिल टूट गया या दिल लग गया या दिल जुड़ गया है मोहब्बत, ठीक है, तुम्हें देखे हुए भी यार एक अरसा हो गया, ठीक है, मेरा मेरा एक रिश्ता एक तरफा, अब एक तरफा था, दो तरफा, अब एक तरफा रह गया। तो ऐसी अगर कोई कंडीशन आ रही है जीवन में तो उसका जो समाधान है वो अपने प्राइवेट चैट बॉक्स में करो। ये क्लास चल रही है बायोलॉजी की, इवोल्यूशन हो रहा है मैन का और तुम लोग के दिल टूट रहे हैं। एक बहुत बढ़िया शानदार पढ़ाई करा रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है उसके अंदर तुम लोग ये जान पा रहे हो और ये लेक्चर देखने के बाद कि किस तरीके से धरती के ऊपर मानव सभ्यता का जन्म हुआ, मानव सभ्यता आगे बढ़ी और तुम यहाँ पे एक मानव दूसरे मानव से क्या कर रहा है, ब्रेकअप कर रहा है, तो बेटा ये तो बहुत गलत हो जाएगा, आगे से नहीं होगा ना बेटा। मनीष बेटा दो तीन बार हो गया, मैंने इसलिए देखो देख के बोला, मेरे को लगा यार वेरी गुड, चल अब उसने सॉरी बोल दिया तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेट्स मूव अहेड, वेरी गुड। चलो तो अब एप लाइक कैरेक्टर की बात करेंगे तो लेस क्रेनियल कैपेसिटी होती थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर, ज्यादा बाल थे शरीर के ऊपर और जो मुंह था वो प्रोग्नेथस था यानी कि बाहर निकला हुआ था। मैन लाइक कैरेक्टर की बात करें तो चलना सीधा हो गया था, डायोप्थिकस तो चार पे चलते थे, ये भैया दो पे चलते हैं, ये दो पे चलते हैं। आगे बात, एनी लवर बोल रहे वाह मोदी जी वाह, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर था, फर्स्ट मैन हु स्टूड इरेक्ट। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की यहाँ पे बात हो रही है, बाइपेडल लोकोमोशन इन्होंने किया, ठीक है, फोर लिम्स इनके शॉर्टर हो गए हाइंड लिम्स, यानी कि हाथ छोटे हो गए पांव बड़े होने लगे, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा सही बच्चे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हम लोग यहाँ पे बात, ये बच्चे सम अदर वेराइटीज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस आर ऑल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम सम अदर कंट्रीज, ठीक है, लीकी फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका तंजानिया, ठीक है, लूसी डोनाल्ड जॉनसन ने डिस्कवर किया था इथोपिया से, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्री हिस्टोरिकल मैन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे बेटा? प्री हिस्टोरिकल मैन, साक्षी समझ में आ रही है बात? सर मैं फ्यूचर डॉक्टर सौरभ हूँ, हाँ भाई एनिमल लवर, मैं समझ गया तू कौन है, बहुत बढ़िया बेटा। मेरी स्पेशल क्लास 3 बजे होती है, 3 PM, ठीक है। A number of other species of Homo
appeared and become extinct with the time of evolutionary sense before the origin of Homo sapiens. These extinct species are called as prehistoric species of man. बेटा ह्यूमन से भी पहले कई तरीके के अलग अलग प्रकार के क्या आए हमारे इस धरती के ऊपर, इंसान जैसे जीव आए, ठीक है। पानी पी के बताता हूँ, अच्छा बता पाऊंगा। इंसान जैसे जीव आए, वो एक्सटिंक्ट हो गए तो उनको प्री हिस्टोरिक मैन बोला गया। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग होमो हैबिलिस, इनको बोला जाता है द टूल मेकर और द हैंडी मैन। ये भी नाम याद रखने तुमको, तुम्हारी परीक्षा के अंदर ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक कैरेक्टर कोई थे तो वो होमो हैबिलिस थे, ठीक है। फॉसिल जो डॉक्टर लीकी द्वारा डिस्कवर किए थे इसको लीकी मैन बोला था हमने। क्रैनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी, तो ये भी याद रखना भैया, 650 से 800 सीसी तक की इनकी क्या थी, क्रैनियल कैपेसिटी थी होमो हैबिलिस की। इरेक्ट पोज, ये सबसे पहले जो आए थे ड्राइवटिकल, उसके बाद इरेक्ट पोस्चर था, प्रोग्नेथस मुंह था। फर्स्ट मैन हु मेड द टूल्स ऑफ स्टोन फॉर हंटिंग द एनिमल बाय द नेचर वेजिटेरियन, खाने में खाने पीने में क्या थे, वेजिटेरियन थे। डेमन, अभी एक बच्चे को समझाया तेरे को दोबारा समझाऊं बेटा, है डीमन है शैतान, शैतानी मत कर बच्चे। डेनियल बेटा ना, बेटा डेनियल ना, सुधर जा सुधर। नीट एप्लीकेशन फॉर्म दक्षता पाटिल आने वाले हैं, एक दो हफ्ते का इंतजार कर बेटा, एक पक्का से मीटिंग होने वाली है इस वीक के अंदर एनटीए में। एनटीए ने एक वेबसाइट भी बना दी है तुम लोगों के लिए अलग से, और डेफिनेटली बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगा कि पेपर कब होगा और फॉर्म कब से फिल होना चालू हो जाएंगे। तो इस बात के लिए तुम लोग सुनिश्चित रहो कि पेपर तुम्हारा हो जाए। फिर आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को डायरेक्ट एंसेस्टर बोलते हैं ना, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे हम, क्रो मैग्नन को बोलते हैं डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। क्या बोलते, होमो सेपियंस का होगा, मॉडर्न मैन के डायरेक्ट एंसेस्टर होते हैं क्रो मैग्नन। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन इनका 15 लाख साल पहले हुआ है, 1.5 मिलियन, ये रखो। जावा मैन, पीकिंग मैन या फिर हाइडलबर्ग मैन बोलते हैं ब्रांच ऑफ मेन लाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। जावा यानी कि इंडोनेशिया में, पीकिंग कहां पर है, आज का जो बीजिंग है चाइना में, वो उस टाइम का पीकिंग था, ठीक है। होमो इरेक्टस, इरेक्टस नेम गिवन बाय मेयर, ठीक है। फॉसिल्स इनके ऑप्टन हुए सेंट्रल जावा बाय द यूगेडिया लिव्ड इन द केव, ठीक है। यूगेन एंड डम्बोज ने इनका लिया था और ये गुफाओं में रहते थे। क्रेनियल कैपेसिटी 900 थी, 900 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी थी इनकी। फर्स्ट मैन हु यूज फायर फॉर द प्रोटेक्शन एंड कुकिंग, पीकिंग मैन की बात हो रही है। फर्स्ट मैन और जावा मैन और पीकिंग मैन, होमो इरेक्टस की हमें बात हो रही है कि ये पहली बार इन्होंने आग का इस्तेमाल किया था खाना बनाने में और खुद की प्रोटेक्शन के लिए। चिन यहाँ पे इनके पास चिन नहीं थी। जो प्रोग्नेस्टस था, कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर था, ओमनीवेरस कैनिबलिज्म यानी कि मरे हुए को भी खाए जाते थे, ठीक है। इट इज ऑल्सो इरेक्ट एप मैन, इनको बोला गया इरेक्ट एप मैन। ट्रायप्टिकस को एप मैन बोला था, इनको डायरेक्ट एप मैन बोला था। समझ में आई बात सही बच्चे। बेटा लाइक एंड शेयर यार, लाइक करो सेशन को फटाफट सारे की तरह, ठीक है। पेकिंग मैन जो चाइना में मिला था, पेकिंग जो है बेटा वो आज का बीजिंग है, ठीक है। गुफाओं में रहते थे, 1100 इनकी थी। पेकिंग मैन की जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 1100 सीसी यानी कि जावा से ज्यादा है, ठीक है। Use the sharp chisel, sharp tool, stone, bones for cutting and killing the animal. Omnivorous थे, इन्होंने भी आग का इस्तेमाल किया मीट को पका के खाने वाले, ये पहले हमारे पूर्वज रहे थे, ठीक है। हाइडलबर्ग मैन तो जिनकी जो फॉसिल थी, लोअर जो था ऑप्टेन हुआ, द फॉसिल्स ऑफ लोअर जो हमको यहीं से मिले थे, ठीक है। ऑस्टेनोस्टक क्रैनियल कैपेसिटी 1300 मानी जाती है। प्लीस्टोसीन इपोक के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको याद होंगी, एक्सटिंक्ट हो गए थे आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ये लोग इवोल्व हो गए थे ब्रांच फ्रॉम द मेन लाइन ऑफ इवोल्यूशन, जैसे कि अगर ऐसे ह्यूमन इवोल्यूशन चल रहा है तो ये जो हाइडलबर्ग मैन थे ये इस तरीके से इवोल्व हुए, थोड़ा सा अलग, और फिर आगे जाके एक्सटिंक्ट हो गए। अब बात करेंगे होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के अंदर नियान एंथ्रल भी आते हैं, क्रो मैग्नन भी आते हैं, और होमो सेपियंस सेपियंस
जो कि हम हमारे मॉडर्न मैन है वो भी आते हैं, ठीक है। होमोसेपियन सेपियन जो मॉडर्न मैन है आज के, वो भी किस में आते हैं? होमोसेपियंस में, नियारेंथल होमोसेपियन नियारेंथ्रलिस और होमोसेपियन क्रो मैग्नन, ये डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन कौन है? क्रो मैग्नन है। क्रो मैग्नन इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। सर मैं क्लास में नया हूँ, मुझे प्लीज वेलकम कीजिए, मेरा नाम लीजिए। आए हम चू आए। अच्छा, बेटा, अच्छा, बहुत बढ़िया है बच्चे, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, तुमने दिमाग लगा रखा है। एंड दिस इज द मोस्ट क्रिएटिव सेट ऑफ माइंड सेट विच आई हैव सीन। इतना अगर दिमाग तू बायनोमियल नेम या किसी केमिस्ट्री की इक्वेशन या किसी चीज में लगाता तो बहुत आगे जाता बेटा। जॉम्बी को पूछना है कि सर लड़की लोग इतना एटीट्यूड क्यों दिखाती है? बेटा ये बात तो तू ऐसे ही कर रहा है जैसे कोई यहाँ पे काउंसलिंग चल रही है, ठीक है, लड़कियों के एटीट्यूड पे और लड़कों के एटीट्यूड पे, समझ रहा है? जो पढ़ाई करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, रेगुलर मेहनत करते हैं, उनके अंदर एटीट्यूड होता है। और जो पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसे नाम लिख लेते हैं कि आए हम ये वो, अभी बोलते हैं कि मेरा नाम लो, ठीक है हनी, जिसको सभी को हंसी आ रही है, बेटा वो क्या है, उनके अंदर एटीट्यूड नहीं आ सकता। बिकॉज दे हैवन डन एनीथिंग लाइक गेनिंग अ एटीट्यूड। एटीट्यूड कब आता है? जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं, कुछ बड़ा कर देते हैं, तो हम में थोड़ा बहुत एटीट्यूड आता है। तो लोग अगर पूछेंगे कि तेरे में किस बात का एटीट्यूड है, तो तुम उसको बता सको कि इस बात का एटीट्यूड है। बट ऐसे काम करने वाला तो क्या ही बता, ठीक है। अब ये जो नाम रखा है, मान लो कि सम अदर डे, चलो ऐसा नाम तुम लोग क्रिएटिविटी में रख लेते हो, कई बच्चे अलग अलग तरीके के अलग अलग नाम रख लेते हैं, ठीक है, ऐसे नाम बोल रख लेते हैं और फिर टीचर को बोलते हैं कि सर नाम लो। एंड जो भोले वाले टीचर होते हैं मेरे जैसे, वो ले भी लेते हैं, बट अभी तो मेरे को समझ में आ गया इसलिए मैंने नहीं लिया, ठीक है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि तू सोच, अगर तूने ये नाम के साथ कभी अपनी मम्मा को या पापा को अपना फोन दे दिया और बोला कि पापा ये वीडियो देखो, एंड दे विल सी योर यूट्यूब नेम बाय दिस लाइक दिस, तो उससे क्या होगा? उस दिन तेरे को नाम बदलना पड़ेगा, तेरे को काम बदलने पड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपनी इज्जत, अपनी एज, अपनी मैच्योरिटी, अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर के प्रति हम लोग सजग रहे, स्वस्थ रहेगा फ्यूचर तो आगे बढ़ेगा बच्चा। हाँ सर हनी का बेटा, तो मैं तो हनी हनी बनी आरती आशी साक्षी सूर्यवंशी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी का नाम अच्छा है, उसका नाम भी अच्छा है, पर वो सामाजिक नाम नहीं है। होमोसेपियन नियानेंथल्स की बात करें तो बेटा उनका जो ओरिजिन है वो आज से 30,000 साल पहले से लेकर 1,00,000 साल पहले तक है, ठीक है। नियानेंथल वैली जर्मनी में है, उसी के ऊपर इनका नाम रखा हुआ है। नियानेंथल जो वैली है जहां से इनके फॉसिल्स मिले हैं वो जर्मनी में है, ठीक है। आगे बात, ये ड्रायफिकस, फिर पेकिंग मैन, और जैसे 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 ये वाले जो थे, ये थे आपके नियानेंथल, ठीक है। एनल कैपेसिटी 1400 cc थी, इरेक्ट पोर्शन था, प्रोग्नेथस थे, सीमे सेरेमोनियल बरिंग ऑफ द डेड, यानी कि पूरी की पूरी जो बरी होती थी डैड को, जो इनके जो मरते थे साथी, इनके समाज के लोग, समझ में बात आ रही है, इनके स्पीशीज के जो साथी थे, व्हेन दे डाई दे यूज्ड टू बाय बरी देम विद द सेरेमनी। हाँ भाई सौरभ, सर मेरा तो क्वेश्चन देख, बोलो भाई क्या क्या क्वेश्चन है तेरा, क्या क्वेश्चन है दीपक जी? सौम्या वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो सेरेमोनियल बरिंग नियानेथल ने चालू करी, ठीक है। स्किन्स यानी कि जानवरों की शिकार करके उनकी चमड़ी निकाल के अपने बदन को ढकने का काम इन्होंने चालू किया। नेचर से ये ओमनीवोरस थे, ठीक है, और ये पहले ऐसे जीव थे, ये पहले ऐसे इंसान के पूर्वज थे जिन्होंने इमोर्टेलिटी ऑफ सोल, आत्मा जो है वो अमर है, वो इन्होंने पहली बार जानना और जाना, और इन्होंने माना, जाना तो क्या, इन्होंने माना ये बात कि जो आत्मा है वो अमर है। तो तुम लोग एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट भी अगर मैं तुमको बताऊं,
कि द स्टार्टिंग ऑफ द स्पिरिचुअलिटी के, ठीक है, जो आध्यात्मिक बातें हैं, अगर वो ह्यूमन एंसेस्टर या फिर प्री हिस्टोरिक मैन के तौर पर अगर आप देखेंगे तो नियानेंथल मैन में आपको देखने को मिलेगी कि ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज जिन्होंने पहली बार ये माना कि जो आत्माएं हैं वो अमर होती है, ऐसे हमारे पूर्वज जिन्होंने पहली बार जो लोग मर रहे थे उनके समाज में उनकी डेड बॉडीज को बरी करना चालू किया एक प्रॉपर सेरेमनी के साथ, ठीक है, जिस तरीके से आज हम लोग करते हैं कि वी गिव अ प्रॉपर फेयरवेल टू अ डेड पर्सन, तो ये इनकी शुरुआत, इनका जो कल्चर एस्टेब्लिश था और आत्मा अमर है, द इमोर्टलिटी ऑफ द सोल, द कंसेप्ट ऑफ द इमोर्टलिटी ऑफ सोल हैज अराइज फ्रॉम द सिविलाइजेशन ऑफ द नियानेंथल मैन, समझ रहे हो बात को। और आपको ये जानकर बहुत कम हैरानी होगी कि जो रामायण महाभारत का जो टाइम है आज से 5-10 हजार साल पहले का माना जाता है, तो उस समय भी ऐसे लोग रहे थे। रामायण अगर आपने देखी होगी तो दे हैव शोन अ ह्यूज वैरायटी, हनुमान जी क्या है, अ कन्वर्ट अ इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ मैन एंड द मंकी, ठीक है। और आप देखेंगे कि जामवंत एक होते हैं जो पूरा भालू के जैसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें अब हमारे हम लिटरेचर से भी डील कर सकते हैं और ऐसे हम साइंटिफिक भी हमारे पास जो है वो नॉलेज यहाँ पे पता चली है, ठीक है। पल्लवी सर मेरे को ब्लॉक कर दो, क्यों भाई ज्योति पंडिता क्या कर दिया तूने ऐसा, सर ह्यूमंस अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, प्लीज आंसर। सौरभ ने एक सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, उस बात का जवाब मैं देना भी चाहूंगा। बेटा इवोल्यूशन जो है जिनका हो रहा है ना उनको पता नहीं चलता, ठीक है। अगर अभी हम लोग ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, इवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ रुक गया फिर एक बार हुआ रुक गया, नहीं, इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और वो चलता आ रहा है। अब बेटा इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आज से 10 साल पहले तक ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि तू तेरे घर में बैठ के और मैं मेरे घर में बैठ के और मैं तेरे को बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा और तू पढ़ पाएगा और तू ये सवाल मेरे से पूछ पाएगा, ठीक है। क्या ये फैसिलिटी थी, क्या तुमको पता होता कि राहुल सर कोटा में कहीं पे पढ़ा रहे हैं, जो उन्हीं को पता होता जो वहां पे होते, बट नाउ तो ये भी क्या है, एक तरीके का इवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन। अगर हमारा इतिहास लिखा जाएगा तो ये पहली बार हम वो इंसान होंगे जिन्होंने मोबाइल बनाया, ठीक है, जैसे हम आज बोलते हैं ना कि इन्होंने पहली बार इमोर्टलिटी ऑफ सोल और इन्होंने अपने डैड को बरी करना चालू किया, इन्होंने आग का इस्तेमाल किया, इन्होंने हथियार बनाए पत्थर के, तो ऐसे ही जब हमको पढ़ा जाएगा आगे आगे 10 हजार साल तक अगर इस धरती का अस्तित्व रहेगा तो हमारे बारे में चर्चाएं होगी कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो होमोसेपियन थे, जो मॉडर्न मैन थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए, गाड़ी बनाई, पहिया बनाया, मोबाइल बनाया और टेक्नोलॉजी बनाई। क्या पता वो आगे आने वाले जो ह्यूमन होंगे वो और ज्यादा इवॉल्व हो जाएंगे, दे कैन लिव इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दे कैन सस्टेन ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट। ऐसा भी हो सकता है कि इवोल्यूशन हमको मार्स तक ले जाए, समझ गए। तो ह्यूमन इवोल्यूशन, बेटा इवोल्यूशन का मतलब है विकास, और विकास एक लगातार चलने वाला क्रम है, विकास कभी रुकता नहीं है, विकास कभी थमता नहीं है, इवोल्यूशन हमेशा चलता रहता, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, ओके बेटा सौरभ आगे चलते हैं। अब प्रो मैग्नन मैन की अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्ट एंसेस्टर है, क्रो मैग्नन मैन से हम लोग डायरेक्ट बने हैं, डायरेक्टली इन्होंने किसको बनाया है, मॉडर्न मैन को बनाया है, किसको बनाया है, मॉडर्न मैन को, डायरेक्ट एंसेस्टर। अगर आपसे मैं पूछूं कि तुम्हारे डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है तो हम बोलेंगे सर हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर क्रो मैग्नन मैन है, इनका जो इवोल्यूशन था वो आज से 34 हजार साल पहले चालू हो गया था। फॉसिल जो क्रो मैग्नस रॉक थी फ्रांस के अंदर मिले थे, गुफाओं में रहते थे, 1650 सीसी की इनकी कैपेसिटी थी मैक्सिमम, 1650 सीसी, सबसे होशियार थे ये, ठीक है। मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी किसकी थी, हमारी नहीं है,
किसकी थी? क्रो मैग्नन मैन की थी, 1650 सीसी। वेल डेवलप स्पीच सेंटर थे, इरेक्ट बॉडी थी, मुंह हमारे जैसा था, पूरी की पूरी फिजिक हमारे जैसी थी, एनिमल स्किन का इस्तेमाल करते थे, हंटर थे, डोमेस्टिकेटेड ऑफ द डॉग, हंटिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एग्रीकल्चर, पेंटिंग, ठीक है, रिगार्डेड एज अ डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, नेचर से कार्निवरस होते थे बच्चों, ठीक है। होमोसेपियंस सेपियंस यानी कि मॉडर्न मैन की बात करें तो मैन ऑफ टुडे, मॉडर्न मैन क्या है, हम लोगों को क्या बोला जाता है, मैन ऑफ टुडे, आज के इंसान, 10,000 साल पहले चालू हुए थे, क्रेनियल कैपेसिटी क्रो मैग्नन से कम हो गई है 200 सीसी, ठीक है, 1450 सीसी की क्या है, क्रेनियल कैपेसिटी है, और किससे कम है, क्रो मैग्नन से कम है, उनको समझा जाती है। बॉडी पोस्चर इरेक्ट है, ऑर्गन सेंसेस है, वेल डेवलप स्पीच सेंटर, डेवलप लैंग्वेजेस, आपने क्रो मैग्नन से ज्यादा क्या कर लिया, इधर हम क्रो मैग्नन से किस तरीके से एडवांस है, अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि हाउ वी आर एडवांस देन दी क्रो मैग्नन, तो क्या जवाब दो? रोशन सिंह हेलो बच्चों, लाइक अभी तक 50 नहीं हुए हैं, ये बहुत गलत बात है बच्चों, यार फटाफट लाइक करो, इतना शानदार एक्सप्लेनेशन है, लाइक बनता है। बॉडी पे बाल कम हो गए हैं, ओमनिवर्स हो गए हैं, सब कुछ खाने लग गए हैं, अब तो बहुत गलत गलत चीजें भी खा दी है, जिसके कारण अलग अलग तरीके के वायरस जो है वो स्पीशीज ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न मैन का इवोल्यूशन कहाँ पे हुआ है, अफ्रीका में हुआ है। अब बच्चे मॉडर्न मैन ने ऐसा क्या बदल दिया बेटा, मॉडर्न मैन क्रो मैग्नन मैन और मॉडर्न मैन, इन दोनों में अगर कोई अगर बदलाव हुआ है कि इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कल्चरल इवोल्यूशन किया, माने कि आवाज को लैंग्वेज दी, स्पीच दी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, तो आवाज को इन्होंने स्पीच में बदला बेटा। आवाज तो क्या होती है, कोई भी निकालता है, डॉग, कैट, दे एवरीवन कैन मेक द नॉइज, ठीक है, तो आवाज तो हम लोग निकाल सकते हैं, बट वो आवाज को एक स्पीच में बदलना, उसको लैंग्वेज में बदल देना, और एग्रीकल्चर की शुरुआत, और एग्रीकल्चर की शुरुआत ने इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि अब जो मानव सभ्यता है वो दर बदर ना भटके एक जगह रहे, सिविलाइजेशन बने, शहर बने, गांव बने, देश बने, साम्राज्य बने, और इंसानों ने एक प्रॉपर सिविलाइजेशन की तरफ मूव ऑन किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, ये सब इस बात का प्रमाण है कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती सीख के नदी के किनारे बड़े बड़े शहरों का जन्म लेना, ये बात साबित करता है कि हमारा जो इवोल्यूशन है वो कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है। क्रो मैग्नस जो हमारे से ज्यादा होशियार थे, जिन्होंने केव पेंटिंग बनाई, और जो ज्यादा समझदारी, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी हमसे ज्यादा थी, फिर भी हम ज्यादा एडवांस क्यों हुए, क्योंकि हमने लैंग्वेज बनाई, वी कैन टॉक विद ईच अदर, एंड यू ऑल नो माई डियर स्टूडेंट, कि द ह्यूमन इज द ओनली वन हु हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है, खुद को समझने की क्षमता, खुद के बारे में जानने की प्रतिभा, ये हमारे अंदर है, वी हैव दैट, वी हैव एन एक्स्ट्रा सुपर पावर विच इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस, द एवरी अदर ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट डिवॉइड ऑफ दिस, ठीक है, हमारे अलावा और किसी के अंदर भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं थी, उसी सेल्फ कॉन्शियसनेस का अगर फायदा उठा है तो हमने लैंग्वेज बनाई है, नाउ वी कैन टॉक, वी कैन शेयर आवर फीलिंग, वी कैन शेयर द आइडियाज, वी कैन शेयर द फियर, वी कैन शेयर द लव, एंड वी कैन शेयर द रेस्पेक्ट, ठीक है बच्चों। तो क्रो मैग्नन मैन से हमारा जो जन्म हुआ है वो डायरेक्ट कल्चर इवोल्यूशन से हुआ है, हमने खेती सीखी है, जिससे हमारा जो साम्राज्य था, जो हमारा वर्चस्व था, सिविलाइजेशन था, वो बना, ठीक है। दुबे साहब तौबा, सर शुड आई गो टू सी नरूटो, बेटा वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बेटा, इताची वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, वेरी गुड गौरव, थैंक यू सो मच।
वेरी गुड बच्चे, चलिए रितेश हेलो। तो ये आप देखेंगे जावा मैन है, मैं आप तुम लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा, वो तुम लोग देखिए। ये नियानेंथल मैन है, ये पीकिंग मैन है जो चाइना में जन्म हुए थे, ये क्रो मैग्नन मैन है जिसको हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर बोलते हैं, जिससे हम लोग बने हैं, ठीक है, जिससे हम लोग बने हैं, ये हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर। ये होमो हैबिलिस, होमो रूनिफेनिस, होमो इरेक्टस, ये लोग तुम लोग देख सकते हो। इनका जो मुंह है ऑर्गनेथस है, ऑर्गनेथस मतलब क्या होता है, बाहर निकाला हुआ, ठीक है। इनका जो चिन है वो बाहर निकाला हुआ है, रिज आईब्रोज रिज है, बॉडी हेयर बहुत ज्यादा है, ठीक है। समझ आ गई सभी को बात? चलो अर्पित सिंह बच्चों, लाइक एंड शेयर यार, 50 लाइक फटाफट से हो जाने चाहिए, लाइक एंड शेयर गाइस। चलिए तो ये आइस एज के समय की तस्वीर है, ठीक है। ये क्रो मैग्नन मैन मॉडर्न मैन की तरफ बढ़ते हुए डायरेक्ट, ठीक है। ये तुम लोग देख सकते हो किस तरीके से जो जो है वो इतना बाहर था, फिर थोड़ा कम बाहर हुआ और फिर एकदम ही स्ट्रेट हो गया, फिर एकदम ही क्या हो गया है, स्ट्रेट हो गया है। तो चेंज इन द जॉ, इसमें चेंज आया बेटा, चेंज इन द जो हुआ है यहाँ, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी कर्व है, यहाँ पे भी कर्व है, पर यहाँ पे ही सीधा हो गया। समझ गए सही बच्चे बात को? बेटा प्री कैम्ब्रियन, ज्योति पंडिता, प्री कैम्ब्रियन एरा, वी हैव फाउंड द फॉसिल्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। चलिए तो ये तुम लोग देख सकते हैं ट्रायस से मॉडर्न मैन की तरफ बढ़ते हुए, और ये क्या है, प्री स्टोरिक मैन। सब क्या है, ये है प्री स्टोरिक मैन। सभी बात समझ में आ गई बेटा? डायग्राम मेरे को एक बार बताओ कि ह्यूमन इवोल्यूशन कितनों को समझ में आ गया है? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ह्यूमन इवोल्यूशन? अगर समझ में आ गया तो बेटा लाइक ठोको सारे के सारे, सभी को। हाय सर, आपका प्यारा सर प्रभात, आओ बेटा, ठीक है, लाइक ठोकेंगे सभी बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे। अगर लास्ट में कुछ स्पेशल पॉइंट है मैं जो तुम सभी को बता देता हूँ, ठीक है। पेलियोलिथिक एरा जो था, जो 3 एजेस है, कल्चरल जो इवोल्यूशन हुआ है, जो हमारा कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है, उसको 3 एरा में डिवाइड किया। पेलियोलिथिक एरा, एज ऑफ टूल्स स्टोन एंड बोन्स, इसके अंदर हमने हथियार बनाना चालू किया, ठीक है। पेलियोलिथिक जो एरा था, ये एज ऑफ टूल्स, एज ऑफ टूल्स जिसको बोलते हैं। मीजोलिथिक एरा जो था, ठीक है, मीजोलिथिक एरा, ठीक है, इसको बोलते हैं एज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, लैंग्वेज राइटिंग, लैंग्वेज और एनिमल हस्बेंड्री, ये सब हमने मीजोलिथिक में सीखा। पेलियोलिथिक के अंदर हम एज ऑफ टूल, फिर ब्रॉन्ज एज आई, तुम सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में, ब्रॉन्ज एज, एज ऑफ एग्रीकल्चर, नॉलेज एंड यूज ऑफ क्लोथ, कपड़े पहनना कब चालू हुआ, ब्रॉन्ज एज में। आयरन एज के अंदर जो अभी की एज है, ठीक है, जो अभी हम जो जिस एज में है वो है आयरन एज। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। ट्री शूज वर फर्स्ट प्राइमेट, ओल्ड वर्ल्ड मंकी वर मोर क्लोज टू ह्यूमन, चिंपांजी इज द क्लोजेस्ट ह्यूमन एप टू ह्यूमन, चिंपांजी जो है वो क्लोजेस्ट है एप के अंदर माने तो हम ह्यूमन से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस फर्स्टली शो दी बाइपेडल लोकोमोशन, और बाइपेडल लोकोमोशन ने ह्यूमन इवोल्यूशन को आगे की तरफ बढ़ाया है। तो बाइपेडल लोकोमोशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग व्हिच हैज लेड द ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। होमो हैबिलिस इज आल्सो नोन एज हैंडी मैन और टूल मेकर मैन, तो होमो हैबिलिस को हैंडी मैन और टूल मेकर मैन भी बोलते थे। जावा मैन ने पहली बार आग जलाई थी, ठीक है। नियानेंथल मैन ने पहली बार इमोर्टेलिटी यानी कि आत्मा अमर है उस पर विश्वास किया था।
क्रो मैग्नन मैन जो थे उन्होंने पेंट किया था केव के अंदर, दे आर द केव पेंटर्स और डायरेक्ट एंसेस्टर है होमोसेपियंस द मैन ऑफ टूडे। कार्लस लिनियस ने होमोसेपियंस को होमोसेपियन वाइज मैन के नाम से दिया था। नीट का सवाल है 2011, ठीक है, और 2011 और 2014-15 में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। होमोसेपियन वाइज मैन, कार्लस लिनियस ने होमोसेपियन को क्या नाम दिया था? होमोसेपियन वाइज मैन। हक्सले ने एक्सपेंड किया था अपनी बुक मेंस प्लेस इन द नेचर के अंदर, ठीक है। डार्विन ने एंसेस्ट्री आपको बताया था डिसेंट ऑफ मैन, डार्विन की किताब है अभी भी मिलती है बेटा, तुम चाहते हो तो खरीद के पढ़ सकते हो इनको। द डिसेंट ऑफ मैन द मेंस प्लेस इन द नेचर हक्सले ने लिखी थी, डार्विन ने लिखी थी द डिसेंट ऑफ मैन। ह्यूमन इज अ मेंबर ऑफ ऑर्डर प्राइमेटा क्लास मेमेलिया। जो प्राइमेटा थे वो आज से 100 मिलियन साल पहले यानी कि 100 लाख साल पहले जन्म हुए थे पेलियोसीन इपोक के सीनोजोइक एरा के अंदर। प्राइमेटा ओरिजिनेटेड फ्रॉम एलिफेंट एलिफेंट श्रू बट पर नॉट रियल प्राइमेट, ठीक है। तो श्रू लाइक यानी कि चूहे जैसे से मिले थे हम, ठीक है। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। अब वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो प्रोकंसल, ठीक है, सब अगर इसको ऑर्डर में रखा जाए तो अगर हम बात करेंगे पहले, ऐसा बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी एस्टेब्लिश नहीं है कि ये जो ऑर्डर है बिल्कुल सही है। ऐसा जितने भी लिंक है उस हिसाब से ये ऑर्डर बनता है कि प्रोकंसल कॉमन एंसेस्टर फॉर मैन एंड ह्यूमन, फिर ड्रायोफेगस, ठीक है, द एप मैन, ठीक है, शिवापिथिकस, ठीक है, तामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जावा मैन जिन्होंने सबसे पहले आग जलाई, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आग लगा देता हूँ, आग लगा दी, आग लगा दी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या की थी? आग लगाई थी, ठीक है। नियानेंथल मैन आत्मा अमर है। क्रो मैग्नन डायरेक्ट गुफाओं में पेंटिंग बनाने वाले। मॉडर्न मैन जो कि हम है यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहला है तेरे पास प्रोकंसल, पहला है तेरे पास प्रोकंसल, दूसरा है तेरे पास ड्रायप्थिकस, ठीक है। तो ड्रायप्थिकस, फिर ये आया हमारे पास तीसरा जो है वो शिवापिथिकस, ये रहा शिवापिथिकस, चौथा जो है वो है तेमापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस है पांचवे, ऐसे दिखते थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। छठा जो है हमारा वो है ये रहा, ठीक है, जावा मैन, ये कौन है? ये है जावा मैन। सातवा जो है वो हमारा नियानेंथल है, सोल, मॉडर्निटी ऑफ सोल। आठवें हमारे क्रो मैग्नन है, इस तरीके के हथियार लेके चलने वाले थे, और ये मॉडर्न मैन आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं तुमको जितना ज्यादा पढ़ा सकता था, जितना ज्यादा तुमको विजुअलाइज करा सकता था, मैंने वो किया है, और तुम सभी को ह्यूमन इवोल्यूशन समझ में आया है। तो बेटा इस लेक्चर को जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अनअकैडमी एमर्ट जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, क्लास 6 से लेकर 12 के बच्चों को 20 तारीख को होगा 12 बजे। 30 सवाल होंगे, 60 मिनट का चैलेंज होगा, कोई तैयारी की जरूरत ही नहीं है। 5 करोड़ तक के प्राइजेस है, प्राइजेस आपको 5 करोड़ तक के स्कॉलरशिप के फॉर्म में, ठीक है, मैकबुक, आईफोन और सारे गुडीज, ट्रॉफी, सब कुछ मिल सकता है। तो बेटा 20 तारीख को याद रखिएगा, 12 बजे सभी बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट देने पहुंच जाएंगे, और एनरोल करने के लिए कोड का इस्तेमाल करेंगे RSH10। और अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है जो कि ऐप के ऊपर है मौजूद फ्री में, तो आप वो लोग कोड का इस्तेमाल करेंगे RSH10। और कल सुबह 10:15 बजे से, कल सुबह 10:15 बजे से प्लस कोर्स मेरा लॉन्च हो रहा है, ठीक है, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। कल सुबह बेटा मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। तुम लोगों में जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो RSH10 कोड लगा के सब्सक्राइब करो, 10% का आपको ऑफ मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन पे। तो यूज दिस कोड RSH10 एंड सब्सक्राइब टू द प्लस नाउ। फटाफट से जिन बच्चों को सही में पढ़ना है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के अंदर, 11th क्लास की पूरी बायोलॉजी उस कोर्स के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपको पढ़ना है बेटा तो बहुत अच्छे से कल एक सब्सक्रिप्शन लो, RSH10 कोड लगाओ और कल मेरे पास आ जाओ 10:15 बजे सुबह। शानदार समय है, शानदार पढ़ाई करेंगे, मजा आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स क्रैक इट बच्चों, कल सुबह 10:15 बजे अनअकैडमी प्लस पर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर,
See you tomorrow.